हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पेन ड्राइव को लॉक कैसे करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जिसको आप पेन ड्राइव दे रहे हो उसके अलावा उस पेन ड्राइव को और कोई यूज़ ना करे, तो आप इजीली उस पेन ड्राइव को लॉक कर सकते हो। आपको उसके लिए विंडोज़, आपके लिए कोई भी विंडोज़ होगा, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8, आप किसी में भी कर सकते हो। प्रीवियस वीडियो में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि पेन ड्राइव को OTG केबल में डाल के फ़ोन में यूज़ करके उसको हम कहीं लॉक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ऐसा अभी कोई तक मैंने देखा नहीं है, और हमें उसको ऐसा नहीं कर सकते, लॉक नहीं कर सकते फ़ोन से। आपको उसके लिए सिस्टम यूज़ करना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पेन ड्राइव जो है, मेक श्योर कि जो अपने पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में या अपने जो लैपटॉप है उसमें अच्छी तरह से लगाई हो, और वो हिलना ही नहीं चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये मैंने लॉगिन किया है। आपको जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे अभी मैंने जैसे ही पेन ड्राइव लगाया तो यहाँ दिखा रहा है रिमूवेबल डिस्क करके दिखाता है, जिसका मीन्स जो है ये रिमूवेबल है, डिस्क है, ठीक है। तो आप पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव शो करता है यहाँ पे। और ये पेन ड्राइव जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखेगा टर्न ऑन बिट लॉकर, ये आपको याद रखना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ दिखाएगा, थोड़े ऑप्शंस दिखाएगा, उनमें सबसे पहला पहला ऑप्शन होगा यूज पासवर्ड टू अनलॉक द ड्राइव, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पासवर्ड देना है, और उसके बाद यहाँ पे दोबारा से पासवर्ड देना है। तो जस्ट 3 स्टेप्स है, बहुत ईजी है। जैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया, आप कोई भी सेट कर दो, वो सेट आप जो पासवर्ड करना जो आपको याद रहे, ताकि जब पेन ड्राइव ओपन करोगे तो लॉगिन आपको याद रहेगा। आप नेक्स्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ ऑप्शन आते हैं कि आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में स्टोर करना है या आपको सेव टू ए फाइल, आपको अपने ही सिस्टम में जो आपका कंप्यूटर उसी में ही आपको फाइल में स्टोर करना है या आपको प्रिंट करना है। मैं यहाँ पे सेव टू फाइल में क्लिक करता हूँ और कहीं पे भी सेव कर लेता हूँ। ये मैंने सेव कर दिया। इसके बाद मैं करता हूँ नेक्स्ट। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन इनक्रिप्ट यूज डिस्क स्पेस ओनली, तो हम पहला ऑप्शन लेंगे जो फास्ट है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी है, हम उसमें से पहला ही ऑप्शन चूज करेंगे, इनक्रिप्ट यूज डिस्क स्पेस ओनली, ठीक है। डिस्क स्पेस करने के बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आएगा आर यू रेडी टू इनक्रिप्ट दिस ड्राइव, यस हमें इनक्रिप्ट करना है अभी, और हम इस पे स्टार्ट इनक्रिप्टिंग कर देंगे। इस टाइम पे आपको पेन ड्राइव जो हिलानी नहीं है, मेक श्योर कि पेन ड्राइव बिल्कुल ठीक तरह से रहे, नहीं तो जो आपकी पेन ड्राइव के अंदर जो फाइल्स होंगी वो रिमूव हो सकती हैं, बिल्कुल हट जाएंगी, वो हो सकती हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पेन ड्राइव हमेशा अच्छे से डली रहे अंदर, उस पोर्ट के अंदर, USB पोर्ट के अंदर। अब देख सकते हैं ये पूरा 100% कंप्लीटेड दिखा रहा है, दिखाने के बाद अभी दिखा रहा है कि इंक्रिप्शन ऑफ आर जो ड्राइव है हमारी, जो भी ड्राइव डालते हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं रिफ्रेश करता हूँ उसको 2-3 बार। अब मैं पेन ड्राइव को एक बार निकाल के देख लेता हूँ कि पेन ड्राइव निकालने के बाद, कि लॉक दोबारा लगाने के बाद कैसे होता है। देख सकते हैं मैंने पेन ड्राइव निकाल दिया है, तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, वो आर ड्राइव यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो अब मैं पेन ड्राइव जो है लगाऊंगा। जैसे मैंने पेन ड्राइव डाला, देखो या तो दिखा रहा है यहाँ पे कि देखो देखो यहाँ पे लॉक बना हुआ आ रहा है, और लिखा हुआ है कि ड्राइव इज बिट लॉकर इनक्रिप्टेड, ठीक है, प्रोटेक्टेड है। आप जब इसको ओपन करोगे तो देखना पासवर्ड पूछेगा। अब आप, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ एक बार, और अनलॉक अगर आपको ओपन करना है तो अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक कैसे होगा, पासवर्ड से। आपको वही पासवर्ड डालना है जो आपने उस टाइम पे सेट किया था, ठीक है। तो अब जैसे ही कोई भी आपका पासवर्ड अगर इस पर ओपन करेगा, उसको वैसा ही दिखाई देगा, उसको ये ओपन करने के लिए पासवर्ड डालना ही पड़ेगा। तो अगर आप किसी को पेन ड्राइव देते हो, अगर थर्ड पर्सन को पेन ड्राइव मिलता है, तो उस टाइम पे वो आपको ये ओपन नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और आप मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको ये बहुत ही ईजी वे है करने के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। और अभी तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।